आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। पुलिस ने बुजुर्ग के साथ मारपीट करने के मामले में रविवार को 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गौरतलब है कि 2 दिन पहले राव तनखा की ढाड़ी निवासी बल्लू राज की चिकित्सालय में अपने परिजनों को उपचार के लिए लेकर आया था। डॉक्टरों के दिखाने के बाद मलुक मेडिकल स्टोर पर दवाइयां लेने बाहर आए। इसी दौरान पहले से बोलेरो गाड़ी में सवार कुछ युवकों ने उस पर लाठियों से हमला किया और इससे वो गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने घायल अनुखान के बयान लेकर मामला दर्ज किया था। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कंग सिंधु के निर्देश गठित पुलिस आरोपियों की तलाश में पोकरण धाक के अलावा साकड़ा रायदर खा की ढाड़ी की तलाशी ली। पुलिस ने रविवार को आरोपी इदेखा पुत्र अलादीन निवासी रायधन की ढाड़ी और मोहम्मद पुत्र मुबारक खां को गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ जारी है। 6 को राजकीय अस्पताल के सामने मारपीट की सूचना पर डीयू को भेजा था, जहां ज्ञात हुआ कि एक वृद्ध के साथ मारपीट हुई है, जिन्हें तुरंत राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया जाकर उनकी रिपोर्ट ली जाकर मुकदमा दर्ज किया। वह मारपीट करने वाले 2 अभियुक्तों को कल गिरफ्तार कर अनुसंधान किया जा रहा है, जिनमें एक का नाम मोहम्मद सनोप मुबारक है और दूसरे का नाम ईदे खां है। दोनों ही राय धनानियों की ढाणी साकड़ा के रहने वाले हैं, जिनके सरकारी जमीन के कब्जे को लेकर के पिछले 5-7 साल से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जिसमें 8-10 मुकदमे परस्पर दोनों पार्टियों के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं, जिन्हें पुलिस थाना साकड़ा द्वारा पूर्व में भी निरोधात्मक कार्रवाई में पाबंद करवाया जा चुका था। और इसमें शेष जो नामजद मुलजिम हैं उनकी तलाश भी की जा रही है, परंतु वो सकुना से रूप से अविलंब उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कपिल नागौरा की रिपोर्ट।